हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्स अप। सो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में देखा था फोर एडजेसेंसी कैसे निकालते हैं, एट एडजेसेंसी कैसे निकालते हैं एंड एम एडजेसेंसी कैसे निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इस वीडियो में देखेंगे हाउ टू फाइंड द शॉर्टेस्ट फोर एट एम पाथ बिटवीन पी एंड क्यू। ठीक है फ्रेंड्स, पी एंड क्यू के बीच में फोर एट एंड एम शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। फ्रेंड्स, ये हमारी गिवन इमेज है। फ्रेंड्स, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज उसे देख लीजिए, क्योंकि इसके अंदर जो हम कंसेप्ट यूज करेंगे वो सब पिछली वीडियो से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, सो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगी। फ्रेंड्स, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा, यू कैन वॉच इट फ्रॉम देयर। सो फ्रेंड्स, आते हैं इस क्वेश्चन पे वापस। तो हमें फ्रेंड्स इमेज दी हुई है, ये क्वेश्चन का पार्ट है। दिस इज द गिवन इमेज, 3 1 2 1, 2 2 0 2, 1 2 1 1, 1 0 1 1। सो ये फ्रेंड्स पिक्सल वैल्यूज हो गई, जिसके अंदर फ्रेंड्स हमें गिवन है कि ये है पी एंड ये है क्यू। ठीक है फ्रेंड्स, सो हमें इनके पी से लेके क्यू तक का एक पाथ बनाना है। तीनों केसेस में, 4, 8 एंड m, तीनों केसेस में हमें इसके बीच में एक पाथ बनाना है इनकी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए। ठीक है फ्रेंड्स, सो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि फोर एडजेसेंसी तभी पॉसिबल है अगर फोर नेबर हो एंड उस नेबर की वैल्यू v में लाई करे। फ्रेंड्स, आप लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, देन उसके आगे ये कंटिन्यू करिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे पास v की वैल्यू गिवन है 0.1। ठीक है फ्रेंड्स, सो मुझे यहां से लेके यहां तक जाना है। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स यहां पे मुझे सबसे पहले फोर नेबर ऑफ p निकाल लेना चाहिए, जो कि है n4p विच इज इक्वल टू 0 एंड 1। ठीक है फ्रेंड्स, सो या तो मैं यहां जा सकता हूं या मैं यहां जा सकता हूं। अब फ्रेंड्स, सेकेंड कंडीशन हम ये चेक करते थे कि इनमें से 0 या 1 में से कौन सी वैल्यू इस वी सेट में लाई कर रही है, 0 भी कर रही है 1 भी कर रही है। सो फ्रेंड्स, हम यहां भी जा सकते हैं, हम यहां भी जा सकते हैं 1 तक रीच करने के लिए। सो फ्रेंड्स, समझो मैं यहां गया सबसे पहले, उसके बाद फ्रेंड्स यहां से मैं या तो 2 पे जा सकता हूं या मैं इस 2 पे जा सकता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, बट 2 पे जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वी के अंदर 2 नहीं आ रहा। सो फ्रेंड्स, ये पाथ ठीक नहीं है, मुझे इस पाथ में मूव करना चाहिए। सो ये पाथ तो फ्रेंड्स मेरा कैंसिल हो गया, नाउ आई विल मूव इन दिस पाथ। अब यहां पे जाने के बाद फ्रेंड्स मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, आइदर मैं यहां जाऊं या मैं यहां जाऊं। फ्रेंड्स, हम 4 पाथ के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। सो फ्रेंड्स, मुझे यहां जाना पड़ेगा क्योंकि 1 वी के अंदर भी लाई कर रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स अगेन आई हैव 2 ऑप्शंस, या तो मैं ऊपर जा सकता हूं या मैं राइट में जा सकता हूं। सो फ्रेंड्स, मैं ऊपर चलता हूं। अब फ्रेंड्स यहां पहुंचने के बाद मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं फिर से, या तो मैं 0 पे जा सकता हूं या मैं 1 पे जा सकता हूं। सो फ्रेंड्स, अगर मुझे आगे प्रोसीड करना है क्यू की तरफ, देन आई शुड मूव टू 0। मैं यहां चला गया। अब फ्रेंड्स इसके बाद, अब फ्रेंड्स यहां पहुंचने के बाद मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो मैं इधर 2 पे जा सकता हूं या मैं इधर 2 पे जा सकता हूं। बट फ्रेंड्स इधर भी 2 है, इधर भी 2 है एंड 2 हमारे वी सेट के अंदर नहीं है। वी सेट के अंदर सिर्फ 0 पिक्सल वैल्यू है एंड 1 पिक्सल वैल्यू है। तो फ्रेंड्स हम पी से लेके क्यू तक नहीं पहुंच सकते एंड दिस पाथ इज नॉट पॉसिबल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पाथ पॉसिबल नहीं है। अब फ्रेंड्स आगे चलते हैं, 8 पाथ। 8 पाथ में हम यहां से चलते हैं एंड आई हैव टू रीच हेयर। ठीक है फ्रेंड्स, सो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम पहले चलते हैं 0 की तरफ पहले की तरह, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास 3 ऑप्शंस थे, हम 1 जा सकते थे, हम 2 जा सकते थे या हम 0 जा सकते थे। ठीक है फ्रेंड्स, बट 2 तो इस वी में नहीं है, सो वी कैन ओनली मूव टूवर्ड 1 एंड 0। सो फ्रेंड्स हम राइट चले गए। इसके बाद फिर से फ्रेंड्स हमारे पास
तीन ऑप्शंस हैं, हम 2 पे जा सकते हैं, 1 पे जा सकते हैं या फिर 1 पे जा सकते हैं। और फ्रेंड्स 2 इस वी सेट के अंदर नहीं है, सो ये तो हमारा कैंसिल हो गया, हम सिर्फ यहां जा सकते हैं या यहां जा सकते हैं। फ्रेंड्स हमें शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, सो मुझे डायगनली मूव करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स यहां पे भी मेरे पास 5 ऑप्शंस हैं, मुझे ऊपर जाना चाहिए क्योंकि 2, 2, 2 आर नॉट पॉसिबल बिकॉज दे आर नॉट इन सेट। फिर फ्रेंड्स यहां पे पहुंचने के बाद आई कैन गो हेयर, तो फ्रेंड्स मैं पी से लेके क्यू तक पहुंच गया हूं और जो पाथ है वो ये है, ठीक है फ्रेंड्स। एंड पाथ लेंथ है 1, 2, 3, 4, 4, ठीक है फ्रेंड्स। अब एम पाथ पे चलते हैं। फ्रेंड्स एम पाथ के लिए आप हमेशा प्रेफरेंस दीजिएगा फर्स्ट जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी। फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देता हूं कि एम पाथ के लिए क्या क्या कंडीशंस थी जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। फ्रेंड्स ये वाली कंडीशन है एम पाथ के लिए, ये दो कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए देन वी कैन मूव इन दैट डायरेक्शन यूजिंग एम एडजेसेंसी। सो फ्रेंड्स यहां पे 1 पे है एंड वी हैव टू गो टू 1। सो फ्रेंड्स फर्स्ट कंडीशन कहती है कि क्यू इज इन एन 4P। सो फ्रेंड्स हमें 4 वाले को प्रेफरेंस देनी है, जो कि 4 नेबर्स हैं उन्हें प्रेफरेंस देनी है। सो सबसे पहले हम यहां से 1 से 0 पे गए थे, क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम इसे प्रेफरेंस देंगे तो हमें सेकंड कंडीशन को चेक नहीं करना पड़ेगा। जब हमारी फर्स्ट कंडीशन फेल हो जाएगी देन ओनली वी विल चेक द सेकंड कंडीशन फॉर एम पाथ। सो फ्रेंड्स यहां से यहां गए, फिर उसके बाद फ्रेंड्स हम यहां से यहां गए अगेन, जैसे हम यहां जा रहे थे, सेम मूवमेंट होगी फ्रेंड्स 0 तक। सो फ्रेंड्स यहां पे आके हमारा फेल हो गया था 4 एडजेसेंसी, क्योंकि उसके साइड में 2 थे। बट इन केस ऑफ एम एडजेसेंसी हमारे पास सेकंड पार्ट ये कहता है कि क्यू इज इन एनडीपी एंड द सेट N4P N4Q हैज नो पिक्सल हुज वैल्यू आर फ्रॉम वी। सो फ्रेंड्स मैं N4P लिख लेता हूं, N4P मेरा बन जाएगा इसके लिए 2 and 2, ठीक है फ्रेंड्स। और N4Q बन जाएगा इसके लिए 2 and 2। सो फ्रेंड्स अगर मैं इनका इंटरसेक्शन निकालता हूं तो वो मेरे पास आएगा इसका एंड इसका इंटरसेक्शन 2, 2। सो फ्रेंड्स अब मुझे चेक करना है कि 2, 2 का कोई भी पिक्सल वी में नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू बैठती है तो मैं मूव कर सकता हूं, नहीं तो मैं मूव नहीं कर सकता। सो फ्रेंड्स 2, 2 एंड यहां है 0, 1, ठीक है फ्रेंड्स। सो 2 इज नॉट लाइंग इन दिस सेट, सो आई कैन मूव हियर। सो फ्रेंड्स एम पाथ पॉसिबल है, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा 4 पाथ जो था वो पॉसिबल नहीं था, एम पाथ पॉसिबल है। एंड इसकी लेंथ जो है वो है फ्रेंड्स 1, 2, 3, 4, 4, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जो है V1, 2 के लिए। ये लीजिए फ्रेंड्स V1, 2 के लिए एग्जांपल। फ्रेंड्स अगर मुझे मूव करना है, सो फ्रेंड्स मैं यहां पे हूं, मुझे यहां जाना है, देन आई कांट मूव टू दिस बिकॉज 0 इसमें लाई नहीं कर रहा। मुझे यहां जाऊंगा फ्रेंड्स मैं, उसके बाद मैं या तो यहां जा सकता हूं या यहां जा सकता हूं। सो फ्रेंड्स कहीं पे भी जा सकते हैं एंड 2 इज ऑल्सो लाइंग इन दिस सेट। सो फ्रेंड्स मैं ऊपर चलता हूं और फ्रेंड्स इसके बाद मैं या तो 3 पे जा सकता हूं या मैं 2 पे जा सकता हूं। सो फ्रेंड्स 3 तो लाई नहीं कर रहा वी सेट में, सो आई शुड मूव हेयर। उसके बाद फ्रेंड्स या तो 0 या फिर 1, और फ्रेंड्स 0 नहीं लाई कर रहा इसलिए आई विल गो हेयर। 1 के बाद फ्रेंड्स मैं 2 पे जा सकता हूं एंड 2 के बाद 1। सो फ्रेंड्स 0, 1 के केस में 4 पाथ वॉज नॉट पॉसिबल, बट हेयर इट्स पॉसिबल एंड द लेंथ इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6। अब 8 पाथ की बात करते हैं फ्रेंड्स। सो 8 पाथ में हमें अगेन पी से क्यू तक जाना है,
हम फ्रेंड्स डायरेक्टली यहां जा सकते हैं। पहले हम 1 से 0 पे गए थे, बट इन दिस केस वी कैन गो डायरेक्टली बिकॉज 2 इस सेट में लाई कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम चलते हैं। अब फ्रेंड्स या तो मैं 1 पे जा सकता हूं, 2 पे या 0 पे, सो आई विल मूव टू 2 क्योंकि 0 सेट में नहीं है। फिर फ्रेंड्स 2 और फिर फ्रेंड्स 1, सो इसकी पाथ लेंथ हो गई 4। ठीक है फ्रेंड्स, अब एम एडजेसेंसी की बात करें, सो मैंने बोला था कि हमें प्रेफरेंस देनी है 4 एडजेसेंसी को। ठीक है फ्रेंड्स, सो हमारा 4 पाथ जो है पॉसिबल है, सो हमारा एम पाथ भी पॉसिबल होगा फ्रेंड्स, और सेम फॉलो करेगा। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, सो एम पाथ यहां पॉसिबल है। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर फ्रेंड्स कोई भी डाउट है आपको इस वीडियो में, देन जस्ट आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, देन अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इसे, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, थैंक यू, बाय बाय।